हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग लेबनीज थ्योरम का प्रूफ सीखेंगे। इससे पहले जो वीडियोस था, हमारा लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स किए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक से एडवांस करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। अभी हम लोग का लेबनीज थ्योरम चल रहा है, इसके बाद जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर टोटल डिफरेंशिएशन, जैकोबियन थ्योरम और बहुत सारे टॉपिक्स को करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इस सीरीज को फॉलो करो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चलो लेबनीज थ्योरम का प्रूविंग आज करना है, तो इसे पहले समझ लेते हैं लेबनीज थ्योरम का प्रूविंग कैसे किया जाता है। ओके, देखो सबसे पहले समझो कि लेबनीज थ्योरम क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। देखो लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 12th में जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, वहां पे 12th में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वहां पे जब दो फंक्शन होता था यू और वी, इसका जो है डिफरेंशिएशन करते थे, जब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता था तो क्या होता था हमारा वहां पे फॉर्मूला, यू का रखते थे और वी का डिफरेंशिएशन करते थे और प्लस v को रखते थे, u का डिफरेंशिएशन करते थे, यही पढ़े थे। तो लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अब आप हम लोगों ने 12th में तो बस फर्स्ट ऑर्डर निकालना सीखा कि एक बार इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, लेकिन अब इस लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेबनीज थ्योरम के हेल्प से, इस फॉर्मूला की मदद से हम इस u into v यानी कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये लेबनीज थ्योरम का कहना है कि आपके पास अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप लोग इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि uv का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, वो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि इस uv का nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है यही लेबनीज थ्योरम कहलाता है। समझ में आया, कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग लेबनीज थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, NC0 से स्टार्ट होता है, NCR एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, बाइनोमियल थ्योरम, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल, यही यहां पे NC0 से NCN तक चलता है। ओके, NC0, NC1, NC2 और यहां पे NCN तक चलता है। ओके, ये फॉर्मूला है उसका। ओके, अब यहां पर देखो UN का मतलब होता है U का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये थ्योरम जो कंफ्यूजिंग वाला होता है बच्चे बोलते हैं। ओके, देखो यहां पे U का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, फिर V को ऐसे ही रखो, U का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, V को ऐसे रखो, प्लस NC1। अब हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो U का था इसके ऑर्डर को घटाते जाएंगे, U का n था, अब इसका n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव और v के ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि यहाँ पे v था, अब ये v1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे v1 हो जाएगा, यहाँ पे v2 है। ओके, v से v1 यानी कि v के ऑर्डर को बढ़ाना स्टार्ट किए, v यहाँ पे फंक्शन था, इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर अगला जो होगा देखो प्लस NC2, यहाँ पे u n माइनस वन किए थे, u का n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव था, अब n माइनस टू हो जाएगा और ये v2 हो जाएगा। ओके, बस un जो था यानी कि u का n ऑर्डर डेरिवेटिव जो था इसका ऑर्डर घटाते जाएंगे और v जो था इसका फर्स्ट v जो फंक्शन था इसके ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा लास्ट में जहां पे ये NC0 से NCN पे पहुंच जाएंगे और un ऑर्डर जो था u फंक्शन का n ऑर्डर डेरिवेटिव ये सिंपल u बन जाता है u फंक्शन, और v जो यहां पे फंक्शन था इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव पहुंच जाता है। यही हमारा क्या है, हमारा लेबनीज थ्योरम का फॉर्मूला है। चलो इसका प्रूविंग सीखते हैं, क्या है प्रूविंग जल्दी से देखते हैं इसको। चलो देखो समझो कि अगर ये जो थ्योरम है, अगर ये हमारा थ्योरम, जब हमारा क्या है n ऑर्डर निकालने को होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो इसका nth ऑर्डर अगर निकाल लें तो ये फॉर्मूला आता है। तो मैं मान सकता हूं ना कि ये n कुछ भी हो सकता है, ये थ्योरम हमारा n के किसी भी वैल्यू के लिए भी ट्रू होना चाहिए, यानी कि अगर n इक्वल टू 1 रखूं तो भी जो हमारा ये फंक्शन ट्रू होगा, ये फॉर्मूला ट्रू होगा ना n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि हमारा uv का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और uv का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी कि d अपॉन dx ना, uv का फर्स्ट ऑर्डर ये लिखो चाहे ये लिखो यही तो है फर्स्ट ऑर्डर, अभी तो फॉर्मूला दिखाया था ना जो 12th में पढ़े थे, uv1 प्लस du1 एक को रखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। v1 का मतलब dv अपॉन dx अगर x के रिस्पेक्ट में करें, और u1 का मतलब du अपॉन dx। ओके, अगर ये थ्योरम जो है ट्रू है किस n के किसी भी नंबर के लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू होता है। तो चलो इसमें n इक्वल टू 1 रख के जल्दी से देखते हैं ट्रू है कि नहीं। NC0 का मतलब क्या हो गया, n के जगह पे जब 1 रखेंगे तो 1C0, UN
बी प्लस वन सी वन यू एन माइनस वन बी वन प्लस वन सी टू। अब अगला जो है वन सी टू है, एनसीआर का फॉर्मूला जहां पे हम लोग पढ़ते हैं वहां पे कभी भी आर जो है वो एन से ग्रेटर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे अगला टर्म हमारा पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉर्मूला हम लोग बायनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं। वहां पे आर जो होता है ये एन से कभी भी ग्रेटर हो ही नहीं सकता, यानी कि ये जो आर है ये एन से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। तो आगे हम लोग नहीं चलेंगे, यही तक चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ चुका है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे आर ज्यादा करता हूं तो क्या आएगा, ये वैल्यू निगेटिव में, और निगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके चलो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इसका हम लोग सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या, अभी तो ये हमारा क्या है, जब हम लोगों ने थ्योरम में रखा और हम लोगों ने सिंपली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये निकाला था जो पढ़े हैं ट्वेल्थ में। वन सी जीरो का मतलब क्या हो गया, वन सी जीरो का मतलब वन ही होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पे रख के देखो ना, एनसीआर की जगह पे वन का फैक्टोरियल तो वन ही होगा, एन माइनस आर यानी कि वन माइनस जीरो का फैक्टोरियल तो वन ही होगा, और आर का फैक्टोरियल यानी कि जीरो का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन के इक्वल होता है, याद रख लो ये। ओके तो यहाँ पे वन बाय वन यानी कि वन, तो वन इंटू यू एन इंटू बी यानी कि यू एन बी हो जाएगा, प्लस वन सी वन का भी वैल्यू हमेशा वन के इक्वल ही आता है, क्योंकि वन का फैक्टोरियल अपॉन वन माइनस वन यानी कि जीरो का फैक्टोरियल तो वन ही होता है अभी बताया, और इंटू आर का फैक्टोरियल यानी कि वन का फैक्टोरियल। ओके तो ये भी वन ही होगा, तो ये भी वन, यू एन माइनस वन यानी कि यू वन माइनस वन, यू एन माइनस वन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वन माइनस वन वन, ये मैं यहाँ पे लिखना छोड़ दिया था, यहाँ पे ये यू वन हो जाएगा ना, जब हम लोग इसमें रखेंगे इसमें यू एन के जगह पे, तो यू वन इंटू बी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन यू वन माइनस वन हो जाएगा, एन के जगह पे रखेंगे वन, तो यहाँ पे यू वन माइनस वन मतलब यू जीरो, यू जीरो का मतलब यू वन में हम लोगों ने एक ऑर्डर इसका कम किया, यानी कि यू का फर्स्ट ऑर्डर यू वन होता है, इससे पहले वाला तो यू ही होगा ना, तो यू हो गया, और बी वन यानी कि यही तो आया, यही तो आया, एन के जगह पे वन अगर रखो तो आया ना, ये देखो ना यू बी वन, यू बी वन और डी यू वन, डी यू वन, तो एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है, इसी तरीके से एन इक्वल टू टू के लिए भी ट्रू होगा, एन इक्वल टू थ्री के लिए भी। लेट अस सपोज ये जो हमारा थ्योरम है ये कोई नंबर एन इक्वल टू एम है उसके लिए भी ट्रू हो, क्योंकि एन इक्वल टू वन के लिए तो हम लोगों ने दिखाया, तो सपोज करते हैं कि कोई नंबर एन इक्वल टू एन के जगह पे एम है उसके लिए भी ये थ्योरम ट्रू होगा, ये सपोज करें, और इसे हमें प्रूव करके दिखा देना है कि हाँ ये थ्योरम जो है एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू होगा, क्योंकि एन इक्वल टू वन के लिए हम लोगों ने दिखाया, तो मानते हैं कि एन इक्वल टू एम के लिए भी ट्रू होगा। तो हमारा वाई एम जो हो जाएगा यानी कि यू वी एम जो हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, एम सी जीरो, बस जहां जहां पे एम है वहां वहां पे एन है वहां पे क्या कर रहे हैं, एम लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, प्लस एम सी टू यू एम माइनस टू बी टू प्लस एम सी आर यू एम माइनस आर बी आर प्लस एम सी एम यू बी एम, बस। अब देखो तो अगर ये जो थ्योरम है n इक्वल टू एम के लिए ट्रू है, तो अगर मैं इस थ्योरम को एक बार m m का जो है एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी कि m ऑर्डर का है इसका m प्लस वन ऑर्डर निकालो उसके लिए भी ट्रू हो, क्योंकि अगर n इक्वल टू m के लिए ट्रू है तो m का अगर मैं फिर से करूं तो क्या होगा, m प्लस वन ऑर्डर, तो n इक्वल टू m प्लस वन पे भी ट्रू होना चाहिए। अगर मैं n इक्वल टू एम माना हूं तो एम प्लस वन ऑर्डर के लिए भी ये थ्योरम ट्रू होना चाहिए, क्योंकि एन ये तो थ्योरम किसी भी ऑर्डर के लिए ट्रू ही होगा, एन के जगह पे कुछ भी हो। तो चलो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यू भी एम प्लस वन हो जाएगा ये, क्योंकि इसका कर रहे हैं, तो अब एम सी जीरो है, एम सी जीरो का क्या हो जाएगा, देखो एम सी जीरो का तो एम सी जीरो ही होगा, यू एम का करेंगे यू एम प्लस वन हो जाएगा, एक ऑर्डर बढ़ाते जा रहे, प्लस भी को रखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, तो एक को रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो फिर प्लस दूसरे को रखो, लेकिन एम सी जीरो लगाते जाओ साथ ही साथ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो हर टर्म में लगेगा। अब इसका करेंगे तो क्या जाएगा, भी का कर चुके, ये जो है यू एम का कर चुके हैं, भी का नहीं किए थे, तो इस बार यू एम को रखो और भी का करेंगे तो भी वन हो जाएगा, समझ में आया। प्लस इसी तरीके से इसका करेंगे तो क्या जाएगा, एम सी वन तो रखेंगे यू एम माइनस वन तो करते हैं और बी वन को छोड़, यू एम माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बी वन को ऐसे ही रखते हैं, यू एम माइनस वन का करेंगे तो क्या जाएगा, यू एम माइनस वन प्लस वन यानी कि यू एम प्लस एम सी वन, अभी मैं यहाँ पे अगर लिखूं प्लस एम सी वन, अब क्या करूंगा इसको इस बार रखूंगा क्योंकि इसका तो हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा यू एम माइनस वन, और बी वन का करूँ तो क्या हो जाएगा, बी वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बताओ मुझे, बी वन का क्या हो जाएगा बी टू। इसी तरीके से मैं यहाँ पे
एमसीआर यू एम माइनस आर का भी करो चुका रहेगा, एमसीआर यू एम माइनस आर का करो चुका रहेगा यू एम माइनस आर माइनस वन, बी आर का करो चुका बी आर को तो अभी मैं बी आर ही रखूंगा ना अभी इस बार में तो इसका कर लिया हूँ, प्लस अब यू एम माइनस आर सॉरी एम सी आर यहाँ पे एम सी आर यू एम माइनस आर का कर चुका हूँ, इस बार बी आर का करूंगा, यू एम माइनस आर को तो मैं ऐसे ही रखूंगा, बी आर का करूंगा तो बी आर प्लस वन, प्लस ऐसे ही मैं कहां तक चलूंगा एम सी एम के लिए करूँ तो क्या जाएगा एम सी एम के लिए यू का करूँ तो यू एन और बी को ऐसे बी एम को ऐसे ही रखूंगा, प्लस एम सी एम इस बार मैं क्या करूँ यू को ऐसे ही रखूंगा और बी एम का करूंगा तो बी एम प्लस वन। देखो बस मैं क्या किया हूँ, माना हूं कि ये जो एन ये जो थ्योरम है ये एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू है, तो अगर एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू है तो एम प्लस वन, अगर मैं इसका फिर से निकालूं डेरिवेटिव तो उसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, तो उसके लिए मैं डिफरेंशिएशन किया बस इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। बस अब देखो यहाँ पे एम सी जीरो यू एम प्लस वन और बी है, क्या है यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, एम सी जीरो यू एम प्लस वन और बी है, प्लस एम सी जीरो यू एम बी वन यू एम बी वन यहाँ पे भी है यू एम बी वन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मैं दोनों से कॉमन ले सकता हूँ ना यू एम बी वन यू एम बी वन में कॉमन लिया और एम सी जीरो प्लस एम सी वन को मैं लिख लिया प्लस में, बस दोनों से कॉमन लिया, प्लस ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे एम सी वन यू एम माइनस वन है प्लस बी टू है, और देखो यहाँ पे यू एम माइनस ये जो है यू एम माइनस वन इंटू बी टू, इसके बाद अगर मैं ऐसे ही करता ना तो यहाँ पे एम सी वन जो है इसके बाद एम सी टू आता एम सी टू आता और इसके साथ साथ यही टर्म आता, क्योंकि जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट हुआ ये कॉमन हुआ ना इसी तरीके से अगला जो टर्म यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं लिखना, अगर मैं करता इसको तो ये क्या हो जाता एम सी वन प्लस एम सी टू होता, समझ में आया, अगर मैं यहाँ पे इससे आगे के भी टर्म्स को करता यानी कि एम सी थ्री वाले टर्म्स को भी अगर मैं करता तो क्या हो जाता यहाँ पे, बस मैं यहीं तक किया इसको मैं छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया क्योंकि बहुत ही लंबा प्रूविंग हो जाता है इसलिए मैं छोड़ दिया ओके, अगर मैं करता आप लोग करके देखना ऐसे ही ये बनेगा और क्या बनता है एम सी वन यहाँ पे जो है एम सी वन और प्लस एम सी टू मैं किया हूँ तो यहाँ पे यही चीज आता यू एम माइनस वन और बी टू कॉमन आता, इसी तरीके से अब लोग हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखो एम सी आर यहाँ पे जो एम सी आर है और यहाँ पे क्या है यू एम माइनस आर माइनस वन और बी आर है, इसके बाद जो अगला टर्म आएगा इसी तरीके से कॉमन बनता है एम सी आर के साथ क्या हो जाएगा एम सी आर, देखो एम सी आर जो है इससे पहले वाला क्या हो जाएगा एम सी आर माइनस वन तो एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर, ये देखो आपको देखना करके आपको यही आता है, बस आप लोग अगर चाहो तो इसका इसका कर लेंगे आप अगर इसका करते, मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ क्योंकि मैं करूंगा तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भर जाएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, इसीलिए मैं एक चीज एक ही बार दिखा दें कि ऐसे होगा यहाँ पे जैसे इसके साथ हुआ यहाँ पे किए ऐसा ही ये सबके साथ होते चले जाता है ओके। एम सी आर माइनस वन है यहाँ पे देखो एम सी आर माइनस वन सॉरी इससे पहले वाला क्या होगा एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर होगा ये, और ये जो है ये भी कॉमन चीज होता है दोनों में, ये होता है आप लोग ट्राई करना हो जाएगा ओके। प्लस ऐसे ही मैं ये चलता जाएगा कहां तक आएगा यहाँ पे एम सी एम तक आएगा और एम सी एम में भी क्या हो जाएगा यहाँ पे एम सी एम माइनस वन होता है यहाँ पे, अब चलता जाएगा छोड़ो इससे पहले का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एम सी एम यू और यहाँ पे बी एम प्लस वन, ये फाइनल यहाँ तक चलता है, समझ में आया। तो यहाँ पे यहाँ तक चलने के बाद अब क्या होता है आपको यहाँ पे दिखाना होता है यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को कर दिया, इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो और मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर ये इक्वल होता है एम प्लस वन सी आर के, यानी कि देखो यहाँ पे जो सी आर माइनस वन यानी कि अगर मैं यहाँ पे एम के जगह पे पांच रखू ठीक है और सी थ्री रखू यानी कि एम सी थ्री फाइव सी थ्री रखू तो यहाँ पे अगर ये r इक्वल टू थ्री है तो r माइनस वन यानी क्या हो जाएगा फाइव सी टू हो जाएगा, तो इसका अगर मैं यहाँ पे फाइव सी टू प्लस फाइव सी थ्री करूँ तो क्या हो जाएगा ये फाइव प्लस वन सी थ्री क्योंकि r हमारा ये और ये r माइनस वन है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हमारा ये जो है ये तो टर्म रहेगा एम सी जीरो यू एम प्लस वन इंटू बी, इसके बाद ये एम सी जीरो प्लस एम सी वन क्या हो जाता है एम सी जीरो प्लस एम सी वन क्या हो जाएगा एम प्लस वन क्योंकि यहाँ पे एम सी जीरो क्योंकि आर की जगह पे क्या है वन है आर की जगह पे वन रखो इसका जगह वन माइनस वन यानी कि एम सी जीरो प्लस एम सी वन क्योंकि आर की जगह पे वन रखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम प्लस वन सी आर, तो प्लस एम प्लस वन सी आर और एम सी जीरो का मतलब क्या हुआ एम सी जीरो का मतलब वन होता है एम सी जीरो का मतलब वन यानी कि यू एम प्लस वन बी प्लस एम प्लस वन सी आर और उसके बाद क्या हो जाएगा यू एम बी वन
इसी तरीके से मैं अगर चलू इसके लिए क्या हो जाएगा, एम सी वन प्लस एम सी टू क्या हो जाएगा, एम प्लस वन सी टू, एम प्लस वन सी टू, और ये क्या हो जाएगा यू एम माइनस वन बी टू, और ये ऐसे ही चलता जाएगा इसी तरीके से, और ये कहां तक चल जाता है एम सी एम तक चलेगा, एम सी एम तक, और यहां पे यू बी एम प्लस वन। अब यहां पे देखो ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है यहां पे देख सकते हैं एम सी जीरो से ही हमारा स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे अगर मैं वन बोला लेकिन देखो एम सी जीरो से स्टार्ट हुआ, यू एम प्लस वन हुआ, यू क्योंकि एम प्लस वन ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूँ, यू एम प्लस वन इंटू बी, और यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है यू हो जाता है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो इस थ्योरम को प्रूव कर रहा है एम प्लस वन ऑर्डर के लिए, एम प्लस वन से शुरू हुआ एम पे आ जाता है, इसी तरीके से बी जो है बी से शुरू होकर बी एम प्लस वन पे आ जाता है, और यहाँ पे जो है एम सी जीरो एम प्लस वन सी आर, एम प्लस वन सी आर के जगह क्या जाएगा सी वन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है सी वन होगा, ये फॉर्मूला में लगाओ एम सी जीरो प्लस एम सी वन क्या होगा एम प्लस वन सी वन। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा था एम सी जीरो से शुरू होके, यानी कि एम सी जीरो से शुरू होके कहाँ तक चला गया मेरा यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरह से एम सी एम तक चला, और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे यू एम प्लस वन से ये यू पे आ गया, जैसे यू एम से यू पे आ गया था उसी तरीके से बी से बी एन पे आया था, यहाँ पे बी से बी एम प्लस वन पे आया, यानी कि जो जिस ऑर्डर का मैं निकाल रहा हूँ उस ऑर्डर पे ये थ्योरम जो है प्रूव होता दिख रहा है। ये यही चीज बता रहा था, ये इतना कुछ जो है इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम लोग दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा है चूंकि हमारा ये थ्योरम n इक्वल टू एम पे भी ट्रू है, n इक्वल टू एम पे क्योंकि प्रूव करके दिखाया कि हाँ ये जो आया है ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, m प्लस वन ऑर्डर के लिए भी ट्रू है, सो फाइनली वी विल राइट हियर दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू, एंड हेंस दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m, सो दिस थ्योरम हैज बीन प्रूव। ओके दिस थ्योरम हैज प्रूव हो गया ना, प्रूव कर दिया ना, समझ में आ रहा कैसे प्रूव हुआ, बस इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लगाया और यहाँ पे ये हमारा फाइनल जो है कॉन्सेप्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बीएससी एग्जाम में आप इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ जो है हायर मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगह पे आपको ये प्रूविंग के दिया जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो सीरीज को फॉलो कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ आप अगर अच्छा लगा ये वीडियो समझ में आया है तो ज्वाइन का बटन है ₹29 का, मैं बहुत ही कम प्राइस का रखा हूँ, क्योंकि देखो ज्वाइन का बटन इसलिए रखा हूँ क्योंकि देखो यूट्यूब से मेरे बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होता है, और मैं भी अगर मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी कोई बहुत ही बड़े फैमिली से नहीं बिलोंग करता, मैं भी विलेज में रहता और मेरा भी कोई बहुत ज्यादा अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करोगे क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है बहुत ही ज्यादा, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को जहां तक कर सकते हैं, और इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा पढ़ेंगे इसमें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं कल के एक और वीडियो के साथ।